दशकों से दिल्ली के लाखों परिवारों के जीवन में बहुत बड़ी अनिश्चितता थी, यानी एक प्रकार से भारत विभाजन हुआ तब से लेकर के आजाद भारत की उम्र के साथ साथ इनकी भी मुसीबतें बढ़ती गई। लोग अपनी मेहनत की कमाई से जैसे तैसे पैसे जुटाकर यहां घर खरीदते थे, लेकिन वो घर पूरी तरह उनका नहीं हो पाता था। ये समस्या निरंतर बनी हुई थी। हमारी सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला लिया और अब अकेले दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं, 50 लाख से अधिक 50 लाख से अधिक दिल्ली वालों को अपने घर और बेहतर जीवन का भरोसा मिला है। इसी तरह दशकों से हमारे देश का रियल एस्टेट सेक्टर बिना किसी पर्याप्त रेगुलेशन से चल रहा था। इसका खामियाजा दिल्ली एनसीआर के लोग ने कितना उठाया है ये यहां के लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन ये मुसीबत पूरे देश में है। वर्षों पुरानी स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने रेरा समेत अनेक कानून बनाए, फैसले लिए। अभी हाल ही में सरकार ने रियल एस्टेट के अधूरे और अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का काम शुरू किया है। निश्चित तौर पर इसका लाभ हमारे मध्यम वर्ग को होगा और उनके सपनों का घर मिलने में उनको मदद मिलेगी। पहले बिल्डर कैसे फले फूले, कैसे मंजूरियां मिली, इस दौर के फैसलों को देखेंगे और आज हमारी सरकार के कार्यों को परखेंगे तो फिर स्पष्ट होगा कि जो नेशन फर्स्ट लेकर के चलते हैं उनकी दिशा क्या होती है, नीति क्या होती है, नियत क्या होती है और सामान्य मानवी की भलाई कैसे होती है। ये हमारे नेशन फर्स्ट के मंत्र से निकलता है।